अग्निहोत्री जी ने बताया कि 25 तारीख को 25 मार्च को दोपहर को 2:17 पे जो चोर मंगलम के अंदर आए थे वो करीब वहाँ पे 50 मिनट तक रहे और 3:04 पे उन्होंने सेकंड नंबर से एग्जिट करी। पहले सेकंड नंबर से ही वो अंदर आए थे और सेकंड नंबर से ही वो बाहर गए थे। तो रात को जब हमारे यहाँ पे जो जिनके घर पे चोरी हुई है सुरेंद्र सिंह जी, जब वो रात को अपने फ्लैट पे पहुँचे 9:30 बजे, तो उन्हें मालूम पड़ा कि गेट के दोनों ताले टूटे हुए, तो उन्होंने सभी मंगलम वासियों को बुलाया। हम लोग वहाँ पहुँचे और फिर उसके बाद हमने अंदर जाके देखा तो सारा का सारा सामान जो था वो अस्त व्यस्त था। फिर हमने उस समय पुलिस को रिपोर्ट करी, पुलिस कुछ देरी से पहुँचे वहाँ पे, पहुँची 1-1.5 घंटे तक, 1-1.5 घंटे बाद। जब तक हमने ऑफिस में जितने भी अपने CCTV कैमरास थे उनसे हमने सारी फुटेज देखी, हमारे मैनेजर के सहयोग से हमने देखा और करीब 1:30 बजे तक हमने वो फुटेज देखी। पुलिस वाले भी जो वहाँ पे थे वो भी वहाँ पे आए, वो भी करीब 1/2 घंटे वहाँ रुके, उन्होंने भी फुटेज देखी। तो फुटेज के अंदर जो भी चोर 2:17 पे वहाँ पे एंटर करे थे उनकी पूरी फ़ोटोज़ है, जो कार है जिस ऑल्टो कार से वो आए हैं उसकी जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी धुंधली है, बाकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर है कि वो किस डायरेक्शन से आए और किस डायरेक्शन से वापस गए। उसके बाद हम सेकंड डे हम किशनगंज थाने पे गए और हमने इस वारदात की पूरी उनको बताया। तीसरे दिन वो लोग हमारे यहाँ पे आए और हमने FIR रजिस्टर करवाई। उन्होंने करीब 2.5 घंटे तक पूरा मौका मुआयना करा, देखा कि भाई CCTV कैमरे की फुटेज देखी, उनके जो एक्सपर्ट्स थे वो भी यहाँ पे आए, लेकिन अभी भी ये संशय है कि जो कैमरे की जो ऑल्टो कार की जो प्लेट है वो ब्लर्ड है, वो धुंधली है, वो क्लियरली मालूम नहीं पड़ रही है। तो अग्निहोत्री जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने ये फ़ोटोज़ जो हैं वो आगे बेंगलोर तक भेजी है, जिससे कि हम अनुसंधान में और भी सहायता कर सकें। लेकिन ये वारदात बहुत गंभीर है क्योंकि इससे एक फ्लैट जो कल्चर अजमेर में डेवलप हो रहा है उस पर ये पूरा का पूरा एक मतलब एक स्पॉट लगाता है, लोग आगे फ्लैट्स को लेना पसंद ही नहीं करेंगे अगर इस तरीके के इंसिडेंट होंगे, क्योंकि ये जो चोरी हुई है वो 3rd माले पे हुई है, 3rd फ्लोर पे हुई है, चोर आसानी से उसके अंदर एंटर कर गया, मतलब आप उनका वो देखिए कि वो कितने एक्सपर्ट्स थे। तो आगे इस तरीके की चोरी की वारदात नहीं हुई, इसके संबंध में हमने आज ज्ञापन पुलिस अधीक्षक साहब और एडिशनल कलेक्टर को दिया है और हम अपेक्षा करते हैं कि इसके अंदर बेहतर अनुसंधान होगा और जल्दी से जल्दी चोर जो हैं वो अपने मकाम पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियेश है, मैं इस समय अध्यक्ष हूँ रेजिडेंसी वेलफेयर सोसाइटी का। भाई जी पास में और नागरिक को जो भी सहयोग प्रदान किया जाता है वो हम करते हैं, ये सरिता जी ने हमको बताया। हमें आशा जो कि पूर्व अध्यक्ष सोसाइटी मंगलम का हूँ और हम यहाँ हमारे शिष्टमंडल के साथ मौजूद हैं SP कार्यालय में और ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जितने भी फ्लैट वासी हैं और दुकानदार हैं वो सब अपराधियों से पीड़ित हैं बुरी तरह। ये जो वारदात हुई है ये दूसरी बार हुई है वारदात और इसी वारदात की फ़ोटोज़ और पिक्स हमने अपने CCTV कैमरे के माध्यम से खींच के पुलिस डिपार्टमेंट को प्रस्तुत किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो फुटेज हमने इनको दिए हैं वो स्वतः ही स्पष्ट हैं, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फ़ोटो स्पष्ट है, समाचार पत्र और पत्रचार के अंदर स्पष्ट उल्लेख है उसका। इतना ही नहीं, जो कार बरामद हुई है और आई है वहाँ उसके नंबर भी स्पष्ट हमने दिए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमको ये कहा कि कार के नंबर धुंधले हैं। लेकिन इसके लिए हमने कर्नाटक यहाँ तक कि महाराष्ट्र जो साइबर स्पेशलिस्ट हैं, जो कि मेरा खुद का छोटा सन है, उसको मैंने फुटेज और कार के स्पष्ट नंबर भेजे हैं, वो क्लियरिफाई करके यहाँ भेजेगा और हम इस पुलिस महकमे को स्पष्ट प्रूफ देंगे और इनसे कहेंगे कार्रवाई कीजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच।